हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोग दिवाली बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे और बहुत ज्यादा, मैं तो पूरा टाइम 24 आवर में 24 सेकंड के लिए भी आज मैं फ्री नहीं थी। सोचो क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं इतना तामझाम अकेले हैंडल करती, इसके लिए मैं इस तामझाम में व्यस्त थी थोड़ा सा। तो आप लोग प्लीज बताइएगा, एप्रिसिएट जरूर करिएगा यार, प्लीज एप्रिसिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना और प्लीज हमारा ये दिवाली गेटअप, हाँ, और प्लीज दिवाली लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। आई लव लगाई थी जो कि गर्मी की वजह से मुझे निकालनी पड़ी, हटानी पड़ी आपको से अपनी आई लेंस। तो ओवरऑल बताइएगा कैसा लुक लग रहा है आपको और आप लोगों ने यार सिर्फ मुझे ये इतना सेटअप बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। सीरियसली मुझे ये बनाने में ही इतना टाइम लगा कि मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मुझे पता है कि प्रॉपर जब आएगा तो बहुत तो सबसे पहला काम जो था मेरा रात में स्टार्ट किया था मैंने इस आधे से काम को, क्योंकि ये काम बहुत क्रिटिकल काम था, थोड़ा ज़्यादा ही था, हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे चीज़ें जैसी चाहिए थी मुझे वैसा ही चाहिए था अगले दिन। इसके लिए मैंने मतलब एक्स्ट्रा मेहनत जिसको बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड भी होती हूँ थोड़ा सा फेस्टिवल्स आते हैं, क्योंकि ना मतलब जो फेस्टिवल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरे यहाँ खंडित है और भगवान की दुआ से ये भी मेरा फेवरेट ही त्यौहार है। तो ये मतलब इसमें मुझे बस ये लगता है ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरा एकदम दिल खुश हो जाना चाहिए। एट लास्ट जब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती है ना, तो मैं एकदम ऑलरेडी मैं मतलब मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ये सब करके बिल्कुल मतलब जो लोग ना टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड होती हूँ पर मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना, और अगले दिन जैसे त्यौहार ख़त्म हुआ उसके अगले दिन ना मेरे अंदर इतनी लेजीनेस आ जाती है कि बाय गॉड मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि क्या रहता है। और जब कुछ रहता है ना, फेस्टिवल हो गया, गेस्ट हो गया, कुछ भी, मैं इतना ताबड़तोड़ तरीके से मतलब एक्साइटेड रहूँगी चीज़ों को करने के लिए, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है कुछ भी ना, मुझे ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी कुछ नहीं, बस मुझे लगेगा कि नहीं हाँ बाबा मेरा ये सारा काम होना चाहिए पहले, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से चाहिए होता है लास्ट मिनट में जो वो अरेंजमेंट करने के बाद जो मेरे पतिदेव के मुँह से निकलता है हाँ यार रिम्मी मजा ही आ गई, तो ये चीज़ सुनने की और भी ज़्यादा मुझे रहती है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ओवरऑल मेरी डेकोरेशन कैसे लग रही थी। ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं चाय नाश्ता खाना पीना होने के बाद मैंने फटाफट से पूजा की सबसे पहले तैयारी की, क्योंकि क्या होता है ना जब हम पूजा करने बैठे, क्योंकि शाम को जैसे जैसे शाम होती है काम वर्कलोड इतना ज़्यादा होता जाता है ना कि उसमें पक्का से पक्का कुछ ना कुछ छूट ही जाता। तो मैंने पहले एक एक चीज़ मैंने सोच समझ के याद कर करके रखी एक जगह पर ताकि मुझे ढूंढना ढाँढना ना पड़े। और यहाँ पर मैंने ना ये छोटा सा छोटी सी जगह को डेकोर किया थोड़ा सा, मैंने कहा कि DIY यूज करते और ये सारे दुपट्टे और सारे दुपट्टों का यूज मैंने कर डाला इसमें, अच्छा लग रहा था ओवरऑल। आपको बताना जरूर हाँ कि ये पूजा का सेटअप मेरा कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे सोचा कुछ दूसरा था लेकिन निकल कुछ दूसरा आया, तो जो भी आता है एटलास्ट अच्छा ही होता है, तो मतलब अच्छा था। और जो मैंने यहाँ लाइटिंग का सोचा था वो लाइटिंग देखी बिल्कुल बिगड़ गई थी, मैंने कहा जाने दो ऐसे भी सुंदर लग रहा है सिंपल एंड सोवर। और ये यहाँ पे चौकी रखी, चौकी पे कपड़ा डाला, उसके बाद यहाँ पे मुझे रखना था मूर्ति स्थापना करनी थी वो तो पूजा के टाइम। और ये देखिए गाइस यहाँ पे ना इस बार मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि यूनिक चीज़ें करने में का मज़ा ही अलग होता है और डिफरेंट तरीके से। भाई मुझे इस सब चीज़ों का घर सजाने का यार शौक आज से नहीं हमेशा से है, ऐसा नहीं कि मुझे आज ये शौक मेरे अंदर पला है या फिर आया है या फिर मैं देख के सीखूँ, नहीं मैं हमेशा से चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से करती थी। बस क्या तब मैं पढ़ती लिखती थी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जितना टाइम मिलता था तब, अब मुझे प्रॉपर टाइम रहता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो ना करूँ और कोई कहने वाला भी नहीं है मुझे कि क्यों नहीं किया क्यों नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें करना बेहद ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है आपको मैं ऐसा क्यों कर पाती हूँ, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं ना तो मुझे अगर कोई डेकोरेटिव चीज लेनी थी मुझे एक बार मेरे लिए कुछ मैं अपने लिए ना लूँ मुझे चलेगा, लेकिन भाई अगर फेस्टिवल है तो मुझे जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती ना तो वो बड़े प्यार से दिलाते हाँ ले लो हाँ ये ले लो हाँ वो ले लो, इवन यहाँ तक कि मुझे मना करना पड़ता,
देखिए आप हमारी हो रही है धन वर्षा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये मेरा धन वर्षा। और ये जो ना चीजें मेरी ना वो सारी पुरानी चीजें हैं जिनको मैंने थोड़ा सा न्यू लुक दिया, क्रिएटिव तरीके से दिया है। ये मटकी जन्माष्टमी की है, उस पर मैंने स्टैंड पे रखा और यहाँ पे टेप के थ्रू सिक्कों को चिपकाया, इसी के बहाने पूजा भी हो गई। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था सच में माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, अपना गगरा लेके उतर आई है हमारे घर में धन वर्षा करने। और ये देखो इतनी जल्दी थी ना यार, शाम इतनी जल्दी हो जाती पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर भी थोड़ा सा रंगोली वगैरह बनाना होता है और मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई इस बार। सच में मैं बिल्कुल मोबाइल ऑन करना ही भूल जाती थी, तो ये मेरा जो भी डेकोरेटिव जो भी था, जो अब तक के जितने वीडियोस पड़े थे वो सारे वीडियो इसी में ऐड कर दिए हैं, तो वीडियो में बने रहो। और ये यहाँ पे रंगोली हमारी, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फटाफट से क्या बना सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास फ्लावर्स पड़े हैं, तो फ्लावर्स को मैंने ऐसे रिंग रिंग बना के, और ये कॉर्नर मुझे कॉर्नर्स डेकोरेट करना बेहद पसंद है, तो जो कॉर्नर हम ज्यादा पर्टिकुलर यूज करते हैं मैंने उसको एकदम थोड़ा डिफरेंट किया, अलग किया। और ये यहाँ पे ना बीच में रंगोली डाली क्योंकि रंगोली शुभ होती है, और रंगोली पर घर में ऐसे ही बना दिया। और उसके बाद एक ये माता का जगह बनाया क्योंकि रंगोली बनाने का टाइम ही नहीं मिला यार, तो इस बार मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ा। काम चलाना क्या, इवन बहुत ज्यादा हौच पहुंच हो जाता है क्योंकि मुंबई में रूम छोटे छोटे होते हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा चीजों को अवॉइड भी करना पड़ा जो जो सोची थी बहुत कुछ, पर कोई ना, वो सिंपल सडन सा था, बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल सबको बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा यार कमेंट करके कैसा लगा। तो ये यहाँ पे मेरी पूजा की प्रिपरेशन, क्योंकि मुहूर्त भी बहुत कम टाइम का था। देखो यार, जैसा कि सबको पता है कि हमारे दो घर हैं, तो मतलब बिल्कुल बगल बगल है, तो ऊपर की भी पूजा करना इम्पोर्टेंट था और यहाँ भी, तो मम्मी ने, और मेरे घर में इस बार ऐसा हुआ ना कि पूरी मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे पापा, ना मेरे भैया, कोई नहीं था, तो हम और मम्मी बचे और हम लोग घर के कामों में इतना उलझे हुए थे, तो मम्मी ने कहा मैं जाके ऊपर करके आती हूँ, तब तक आप नीचे कर लो। तो यहाँ पे हमने फटाफट पूरा पूजा का कार्यक्रम ये किया ताकि ये लोग जब आए तो आराम से फ्री होके जो भी उनको थोड़ा बहुत करना है अपना दीप दान करके अपना उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, ताकि पूजा का जो होना चाहिए था एक टाइम पे, वो मेरी पूजा बहुत टाइमली हो गई थी, तो पूजा उजा करने के बाद मैंने कहा कि ये टाइम से होना जरूरी है क्योंकि मुहूर्त कम टाइम का था और उसी टाइम पे हो गई, तो इस बात की मुझे खुशी थी कि हाँ बाबा चलो जो सोचा जैसे सोचा वैसे हो गया पूजा पाठ। अब उसके बाद बुरा इस बात का लग रहा था क्योंकि इस बार हमने मतलब भाग भाग के कुछ करना, हमारे यहाँ जॉब नहीं, हमारे यहाँ बिजनेस करते सब लोग और बिजनेस में इतने बिजी, और आज के दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट जाना, और क्योंकि आज ही जो भी लेन देन का काम होता है वो आज होता है, तो इसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग गया सबको अपने अपने उसमें, तो ये लोग बहुत लेट आए। एट लास्ट 10:30-11 बजे पापा मेरे 11:30 बजे आए और ये आए 10:30 बजे, मतलब ऐसे ही सबका टाइम रहा इस दिन आने का, तो तब तक हम वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी पूजा एक सिस्टम से हो गई। अब उसके बाद चाहे जो कोई सब कोई पूजा करेगा, तो फिर उसके बाद हम सब इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद पूजा हुई, फिर आरती वगैरह हमने रोक दिया, लेकिन जो मेन पूजा थी वो सब हो गई। यहाँ पे देखो कौड़ी सब चीजें, मतलब एक एक चीजें मैं जो प्रॉपर तरीके से रखी थी मैंने पूजा में यूज किया उनको, पूजा आप लोग बताइएगा मेरी पूजा कैसे, मेरे लक्ष्मी गणेश की पूजा कैसी लगी। और ये यहाँ पे नंदवा मिलता नहीं है, तो मैंने छोटी सी चिड़ी ली थी उसी से बना लिया। ये देखो मेरे पास के घर में इतना प्यारा ये किला बनाया गया था यार, इतना प्यारा बच्चों ने बनाया था, इतना ज्यादा यहाँ पे किला बनता है। गाँवों में क्या होता है, घर घरौंदा बनाते हैं, यहाँ पे किला बनाते हैं, तो मैंने कहा छोटा सा रिकॉर्ड करती हूँ। फिर ये रहा मेरा दिवाली के दिन डेकोरेशन, मतलब जो भी कैंडल्स वगैरह लगाई, और वहां पे लगाना ही भूल गई थी कॉर्नर पे, तो अगले दिन लगा। उसके बाद फिर हमने खाना पीने का देखा, खाना पीने के होने के बाद सब लोग जैसे ही खाना पीना करने गए तो फिर सब लोग आए धीरे धीरे, फिर इकट्ठे हुए, फिर हमने फैमिली टाइम स्पेंड किया सबसे। सो मैं व्लॉगिंग ज्यादा नहीं कर पाई फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं यही बता दूं कि मैं वीडियो ज्यादा नहीं शूट कर पाई, जस्ट बिकॉज यार इतना सब कुछ तामझाम मैं अकेले हैंडल करती हूँ, इसकी वजह से नहीं हो पाता है, पर मेरे पास कोई छोटा मोटा बच्चा भी नहीं कि मैं उसको ही पकड़ा के शूट करवा लूँ। सो आई थॉट यू अंडरस्टैंड टू मी। सो कैसी लग रही है ओवरऑल मेरी डेकोरेशन, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, या सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना।
तो वंस अगेन एट लास्ट हैप्पी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सब पे बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि आए, सबके घर में माता लक्ष्मी स्वयं चल के आ जाएं, हमारे घर में तो खैर एकदम घगरा लेके आ जाएंगी माता रानी, झमाझम दिख ही नहीं रहा घगरा ढक गया बैठने बनवाऊंगा।